सो मित्रों, स्वागत है तुम लोगों का फ्री सिटी ऑनलाइन की एक और न्यू एपिसोड में। एंड इस एपिसोड के लिए भाई तुम लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट किया था, एंड उसी की रिकॉर्डिंग मैं एक सब्सक्राइबर को शॉर्ट आउट देना चाहता हूं, जिसका नाम है डेंजर गेमिंग YT49। सो बिग शॉर्ट आउट टू यू ब्रदर। अगर तुम लोगों को भी ऐसे शॉर्ट आउट चाहिए तो कॉमेंट कर देना। एंड जैसे की तुम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था की हम लोगों ने एक खतरनाक गैंगस्टर के घर में चोरी की थी, लेकिन साला जैसे ही उसके घर में हम लोगों ने जाकर लॉकर तोड़ने की कोशिश की भाई, उसका इमरजेंसी अलार्म बज गया और लगे हाथ उस गैंगस्टर को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसके घर में चोरी हो रही है। फिर भाई उस आदमी ने धड़ाधड़ गुंडे भेजना स्टार्ट कर दिए, लेकिन तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे करके वहाँ से चोरी कर ली थी और सक्सेसफुली उन गुंडों से बच भी गए थे। बट जैसे ही हम लोग वहाँ से चोरी करके नीचे गए भाई, वो बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है कि पुलिस वालों को भी उसने नीचे उठा के रखा था। और फिर उसके बाद भाई पुलिस कुत्ते की तरह पीछे पड़ गई थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया मुझे लगा कि हम लोगों ने पुलिस को चकमा दे दिया है। बट पुलिस वालों ने तो मुझे अलग ही सरप्राइज दे के रखा था। फाइनली वो लोगों ने मुझे पकड़ लिया और फिर वो लोग मुझे लेकर जेल चले गए। और करीबन एक मंथ के बाद मेरे दोस्त के ने भाई मेरे को छुड़ा लिया। और आज ही मेरे जेल से छूटने का पहला दिन है, और उसी के लिए मुझे के ने अपने पास बुलाया है, क्योंकि के को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस गैंग के बंदे लोगों को पता चल चुका है कि मैं जेल से छूट चुका हूँ और वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। एंड आई थिंक वो लोग आ गए हैं, लगता है ये लोग मेरा पीछा ही कर रहे थे भाई, ये उसी गैंग के बंदे हैं। बट दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन लोग मेरे को तो मारेंगे ही, साथ में ये लोग सोच रहे हैं कि के को भी मारे, क्योंकि ये जो के है ना भाई, इनके गैंग के तीन बंदों को उड़ा दिया है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को अपने गैंग के एक और बंदे से हाथ धोना पड़ेगा। और ये लो भाई, के ने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैं के को अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये साला काफी ज्यादा लड़ाकू है और ये बंदों को आराम से ठोक देगा। देख रहे हो लड़के का इंट्रो, मास्टर ऑफ वायलेंस के। अभी जिस तरीके से फाइट हो रही है ना, अब तो मुझे लग रहा है इनको अपने गैंग के कई बंदों से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन साला मैं किधर हूँ। अबे भाई मेरे को भी इंट्रोड्यूस कराओ, मेरा भी एक खतरनाक नाम लिखो। चलो कोई ना, मैं ही बता देता हूँ, मेरा नाम है 111 शूटर, शूटर। और आप लोग देख रहे हो 111 शूटर यूट्यूब चैनल, और मैं सभी काम में परफेक्ट हूँ लेकिन लड़ाई में कुछ ज्यादा ही। तो चलो भाई इनकी बजाते हैं, अब जाके मेरा करेक्टर मेरे हाथ में आया है। सालो तुम लोग मेरे को मारने आए थे और साथ में मेरे बंदे को भी, इसकी ऐसी की तैसी सबके खोपड़ियों में गोली भरेंगे आज। आ जाओ सालो, इधर आ जाओ, धरू मैं ये मारा था मेरे को। चलो भाई अब जाके सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, एंड लास्ट बंदा बचा है ये पोको। पिछली बारी हम लोगों ने आरपीजी से चोको को मारा था, अब इसकी बारी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको मारते नहीं है, इससे अपने को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, ऐसा मेरे को के कह रहा है। तो चलो मारेंगे नहीं बल्कि इसको थोड़ा सा वक्त तो सिखाई देंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको कार में बांध दिया है। अब कार की ड्राइविंग और कोई नहीं बल्कि मैं ही करने वाला हूँ। हाँ भाई बैठ जा भाई आराम से, चलो इसको जन्नत दिखाते हैं, अब नहीं आएगा ये अपने गैरेज पे हमला करने। बट गाइस के ने अभी मुझे एक और चीज बताई है, ये जो बंदे हैं इग्वाना गैंग के बंदे हैं, एंड इग्वाना गैंग वो है जिसके घर में हम लोगों ने चोरी की थी। और सरप्राइजिंगली एक और बात मेरे को पता चली है, जो हमने गोल्ड वगैरह लूटा था वो भी भाई पुलिस ने जब्त कर लिया है, तो अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। एंड इस सिटी में रहने के लिए मेरे पास एक घर तो है, लेकिन उस घर को कोई और ही खरीद के रह रहा है। इसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए और पैसे के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो के मुझे बोल रहा है कि एक जगह पे रेसिंग चल रही है, मतलब सुपर कार की रेसिंग हो रही है, और अगर हम लोग वहाँ पर जाकर रेस को विन करते हैं तो हम लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे कि मैं घर वगैरह अपना वापस बाय कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ का जो मैनेजर है, जो वो क्या तो बोलते हैं रेस वो करवाता है ना, रेस करवाता है, ठीक है, जो पैसे वगैरह देता है, वो भाई ऐसे ही किसी को एंट्री नहीं देता है। लेकिन के ने मुझे बताया हम लोगों के पास एक ऐसा बंदा है जिसके वजह से हम लोग वहाँ पर आसानी से एंट्री ले सकते हैं, और वो है ये पोको। क्योंकि ये जो पोको है जिसको हम लोग अपने गाड़ी में बैठाकर घुमा रहे हैं, उसने अभी डर डर के ये बोल दिया कि वहाँ के मैनेजर को मैं जानता हूँ, तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वहाँ पर एंट्री दिला दूंगा। तो भाई हमारा मूड अलग ही बन गया, हम लोग आ चुके हैं रेस ट्रैक पे, मतलब कि इस जगह पे, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा सुपर कारें हैं और हम लोगों ने पोको को यहाँ पर ही छोड़ दिया है। तो चलो अभी उस मैनेजर से बात करते हैं, एंड वो मैनेजर कहां पर है वो मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो पोको है ये सब हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मुझे जाकर रेस करना है, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं, हम लोग आ चुके हैं उस मैनेजर के पास, और अभी पोको जो है उससे बात कर रहा है, ठीक है। मैनेजर भाई मान चुका है, इसने मुझे एक गाड़ी दी है, और अभी मेरी रेस होने वाली है जो साइड में ग्रीन कलर की कार दिख रही है उससे। और के मुझे कह रहा है कि भाई दिखा दे तेरे अंदर कितना पावर है, तो चलो भाई इनको दिखाना पड़ेगा अपने अंदर कितना पावर है। ओके सो ऑलराइट गाइस, अभी जो अपना रेस है वो स्टार्ट होने वाला है, एंड इस रेस को भाई मैं कंफर्मली विन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है। एंड जो अपना सामने वाला ओपोनेंट है वो भी कम खतरनाक नहीं है भाई, काफी ज्यादा मस्त ड्राइविंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ
ये हमको बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको पता नहीं है शायद कि मैं कितना खतरनाक ड्राइवर हूँ और तुम्हें दिखाता भी हूँ कितना खतरनाक। बस इसमें थोड़ा सा जो ग्राफिक्स का क्वालिटी है ना वो हल्का इन्हेंस करने की ज़रूरत थी यार इन गेम वालों को, कि जब मैं मुड़ता हूँ ना रोड पे तो हल्का सा मेरे को अजीब सा धुंधलापन सा छा जाता है। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सिर्फ मुझे रेस पर फोकस करना है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने हैं, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मतलब हाँ मेरे को घर लेने तक का पैसा थोड़ा बहुत बनाना है इस गेम में, क्योंकि यार इस रेस को जब तक मैं विन नहीं करूँगा और मेरे को सिर्फ एक ही चांस मिला है इस रेस को जीतने के लिए, अगर मैं जीतता हूँ तो मेरे को पैसे मिलेंगे, अगर नहीं जीतता तो फिर मैं घर जाने वाला हूँ और फिर दोबारा इस सिटी में मुझे कहीं भी रेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने इस रेस को आराम से जीत लिया है। लिटरली बताऊँ तो इसके लिए मैं इस कार को शुक्रिया करने वाला हूँ क्योंकि भाइयों इसी कार के वजह से मैं इस रेस को विन किया हूँ। एंड एक सेकेंड, यहाँ का जो मैनेजर है मुझसे कुछ तो कह रहा है, क्या कह रहा है? ठीक है, ओ भाई इसको ना हमारा रेसिंग करने का स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आया है, इसलिए इसने मुझे कई रेसों की लोकेशन जो है ना शेयर की है जहाँ पर ऐसे रेसेस होती है एंड वहाँ पर हम रेस करके पैसे कमा सकते हैं। ये हुई ना बात, अब पता चला होगा इस मैनेजर को भाई मेरे अंदर कितना पावर है। खैर चलो कुछ तो अच्छा काम हुआ। बट एक सेकेंड रुको, इसने मुझे एक और तगड़ी सरप्राइज दी है और वो क्या है मुझे पता तो नहीं है बट देखना पड़ेगा। भाई पैसे तो मिले हैं मुझे लेकिन उसके बदले में एक गिफ्ट भी मिला है मुझे, और वो क्या गिफ्ट है देख। ओह भाई इसने क्या सुपर कार दी है मेरे को। भाई इस चीज से तो तुम्हारे भाई का सीन आना चौड़ा हो गया, फटने वाला है क्या बताऊं भाई। ये देखो भाई अपनी कार, भाई इस कार को हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं बट यहाँ पे नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा के गैरेज पे क्योंकि उसने मुझे बुलाया है एंड वो कह रहा है कि इस कार को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं मेरे हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से उसे ऐसा लगता है क्योंकि ये सब काम वही करता है। एंड उसने ये भी कहा है कि भाई संभल के आऊँ क्योंकि इगुआना गैंग के जो बंदे हैं वो और भी ज़्यादा गुस्सैल हो चुके हैं एंड वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बट अभी फिलहाल तो उसका जो गैरेज है वो सिर्फ पोको को पता है और पोको की इतनी गंदी तरीके से फटी है भाई, वो जाके ऐसा तो नहीं बताने वाला। लेकिन जो उसका मालिक है मतलब इगुआना गैंग का जो लीडर है उसे ये पता चल चुका है कि भाई जो पोको है उसके ऊपर हम लोगों ने अटैक किया है, मतलब उसको परेशान किया है या फिर मारा है, तो वो चीज़ उसको पता चल चुका है। लेकिन वो जो पोको है वो उसे हमारे गैरेज है उसका पता नहीं बताने वाला, तो ये दिक्कत नहीं है, वो हमारे गैरेज पे तो नहीं आएगा। लेकिन अब से मुझे और भी ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो जो बंदे हैं भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। बट के की अलग ही हिम्मत चालू है, वो कह रहा है कि मैं इनको आराम से निपटा दूंगा। खैर तो अभी मैं आ चुका हूँ के गैरेज पे, कोई ना चलो चलकर इससे बात करते हैं कि ये क्या मॉडिफिकेशन अपने कार में कराने वाला है। ओके सो ऑलराइट गाइस, अभी जो मेरी बात है कैसे हो चुकी है और ये कह रहा है कि मुझे अपने कार के इंजन का ईसीयू अपग्रेड करना पड़ेगा, इससे अपना इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी हो जाएगा। तो चलो मैंने यहाँ पर जो ईसीयू है वो अपग्रेड कर दिया है एंड यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें मैं अपग्रेड तो कर सकता हूँ लेकिन इनके लिए मेरे को सामान वगैरह चाहिए जो भी मेरे पास है नहीं, तो एक बार और ही कर देते हैं। चलो मैक्स अपग्रेड हो चुका है अपना ईसीयू, इसका स्पीड भी चेक करेंगे हम लोग। और एक सेकेंड, यहाँ पर मैं तुम्हें पिछले वाले वीडियो में दिखा नहीं पाया था, हमारे पास बहुत सारी कारें भी अवेलेबल है जिसे मैं खरीद के मतलब चला सकता हूँ, आई मीन बाय कर सकता हूँ। ठीक है तो भाई यहाँ पर देखो कितनी मस्त मस्त कारें हैं, लैम्बोर्गिनी वगैरह है, मस्टैंग जीटी है भाई, बुगाटी भी है और साथ में रॉयल्स रॉयल्स भी। बट ठीक है यार अपने पास है, तगड़ी गाड़ी है अपने पास एंड जो पैसे मैंने रेस में जीते थे उससे मैं जा रहा हूँ इसी सिटी में घर लेने। मेरे पास वैसे ऑलरेडी घर था बट उस घर में ना कोई और ही रह रहा था पैसे देकर, तो जो उसका मालिक है वो उसको घर दे दिया था। तो चलो भाई अब मैं जाने वाला हूँ अपने घर एंड जो जो के है उस घर को पहले ही बाय कर लिया है क्योंकि सारे पैसे इसी के पास थे। तो इसने मुझे कहा है कि जाओ घर थोड़ा चिल वगैरह करो एंड आराम से नींद लो, उसके बाद फिर तुम मुझसे मिलना या फिर मैं ही कॉल करूंगा बोल के। तो चलो भाई अभी चलते हैं अपने घर एंड अपने कार का जो ईसीयू रिपेयर हुआ था भाई उससे थोड़ा हल्का स्पीड जो है ना इसका इनहेंस हो चुका है। एंड अभी फिलहाल तो के मुझे कोई भी काम वगैरह बता नहीं रहा है क्योंकि भाई वो पता नहीं अलग ही टेंशन में है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में भले ही तुम्हें हल्का मजा ना आया हो लेकिन अगला जो वीडियो होने वाला है ना भाई वो तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अगला जो वीडियो है वो भाई चैप्टर के हिसाब से आने वाला है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा इस गेम का वो होगा मैड के। एंड इस चीज को मैं तुम्हें इसलिए रिवील कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर हल्की सी क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए क्योंकि उस चैप्टर में जो कुछ होने वाला है ना भाई तुम्हें बिल्कुल GTA 5 की फील दे के रहेगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और बाकी तो फिलहाल उस स्टोरी की रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें आज कुछ भी नहीं बताने वाला, बस मैं अभी आ चुका हूँ अपने घर में एंड ये देखो भाई ये है अपना घर जिसके अंदर वो भाई क्या क्या सामान है, टीवी वगैरह कपड़े वगैरह। हाँ मेरे को कपड़े खरीदने पड़ेंगे, वो खरीद लेंगे, अपने पास बहुत पैसा है।
ठीक है। बाकी तो फिलहाल यहाँ देखो ये टीवी वगैरह है, और साथ ही मैं यहाँ के सामानों को यूज भी कर सकता हूँ, जैसे कि सोफे में बैठना उठना हो गया, और फिलहाल यहाँ पर है मेरा बेड, मतलब ये है। ये क्या है भाई, चेस्ट है इसके अंदर से, पता नहीं कुछ तो भाई कितने सारे पैसे, खाना पीना का सामान भाई, क्या क्या चीज़ मिला है। और मेरे पास लैपटॉप भी है शायद, हाँ लैपटॉप भी है, और ये है मेरा बेड। सो दोस्तों आज के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया, तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, एंड अगले एपिसोड के लिए अगर तुम लोग चाहते हो तो कमेंट कर देना, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है अगला एपिसोड जो होने वाला है और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका अगला एपिसोड आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। सो दोस्तों मिलते हैं तुम्हें किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पे, सो तब तक के लिए बाय।